time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stitch is gone. I hope somewhere your voice So hello guys, welcome back to the channel Aryan and Anupam Vlog. So guys, आपका मेरे vlog channel पे स्वागत है. So hope guys आपको मेरे vlog अच्छे लग रहे होंगे. But लेकिन आपको एक चीज confirm कराना बहुत compulsory है कि मैं कौन हूँ. हर vlogger के लिए, हर YouTuber के लिए, जो भी वीडियो बनाता है, जो कंटेंट क्रिएटर है, उसके लिए जरूरी होता है कि वो अपना एक इंट्रो दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ. आज के इस व्लॉग में हम करेंगे ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें. और चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज के व्लॉग. अभी मैं हो चुका हूँ ड्यूटी के लिए रेडी और अभी जाऊँगा सोनू सर के साथ. और आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आजकल मैंने थोड़े इंडोर प्लांट उगाना शुरू किया और किसी से लेना शुरू किया और मैं बहुत सारे इंडोर प्लांट इकट्ठे करने वाला हूँ. आप मेरी वीडियो में आगे जाके देखोगे. अभी फिलहाल जितने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये देखो गाइस, अभी ये प्लांट है. मुझे नाम तो नहीं पता है क्या नाम होगा इन प्लांटों का, बस मुझे एक इसका नाम पता है. ये जो बड़े वाला, इसका नाम है रबर प्लांट, और ये मनी प्लांट, और ये एलोवेरा. और बाकी इसका नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता. यदि आपको भी शौक है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो. और चलिए अभी सोनू सर आने वाले हैं और फिर चलते हैं ड्यूटी, फिर वहाँ जाके करेंगे ये सारी बातें जो आज मैंने आपको डिस्कस की है पहले. तो चलिए गाइज, इस वीडियो में बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करता हूँ, और मेरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, और मेरी शादी कहाँ हुई है, और मैं वीडियो किस तरह से बनाता हूँ. चलिए मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले मेरे घर है मंडी में, और मंडी में है करसोग तहसील. मैं वहाँ करसोग का रहने वाला हूँ. और फिलहाल अभी मैं प्रेजेंट जहाँ पे जॉब करता हूँ ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट, और मैं हूँ शिमला डिस्ट्रिक्ट के नेरवा में, और मेरी पोस्टिंग है बीजमल में. और यदि आप लोगों को पता नहीं है कि बीजमल एग्जैक्टली कहाँ है, वो मैं आपको बता देता हूँ. बीजमल है शिमला से 166 किलोमीटर दूर, और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, और नियर बाय उत्तराखंड के, मतलब उत्तराखंड का बॉर्डर यहाँ से बहुत नज़दीक है. और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वो है मंडी, और मैं मंडी पे रहता हूँ करसोग पे. अगर करसोग में एक छोटा सा गांव है पांगना, जो आप उसकी वीडियो आप आगे मेरे व्लॉग में देखोगे जब मैं कभी घर जाऊँगा तो होम टूर दूंगा. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी शादी हुई है हमीरपुर पे, और मेरे वाइफ है हमीरपुर से, और मैं आजकल जाता हूँ अपने ससुराल क्योंकि मेरी एक छोटी बेबी पैदा हुई, इसलिए मैं ससुराल में जाता हूँ क्योंकि मेरे वाइफ है आजकल ससुराल. और चलो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ सोनू सर के साथ ड्यूटी, और उसके बाद फिर से यही बातें करेंगे. अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है अपने, मतलब ये मेरा व्लॉग जो रहने वाला है, एक मेरा इंट्रो रहने वाला हो, फिर मैं ये आपको ऊपर जाके बताऊंगा. अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, अभी हुआ है सुबह के 8:30. अभी मैं 9:30 बजे से मेरी ड्यूटी होती है, तो 9:30 बजे तक मैं ऊपर पहुँचूंगा. अभी सोनू सर का मैं वेट कर रहा हूँ. मैं थोड़ा अपने रूम से इधर आ गया था. अपने रूम का और सब कुछ टूर आपको दूंगा अब अगली वीडियो में. और आप जरूर कमेंट कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो. अब मैं हर आदमी की जो इंट्रो है ना आपको दूंगा. जैसे मेरी वीडियोस जो होती है उसमें रैंडमली कोई भी पर्सन आते हैं तो मैं बताता नहीं हूँ कि ये कौन है, मैं कैसे मिला, ये वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अब नेक्स्ट व्लॉग में. और फिलहाल आज के व्लॉग में तो बस मेरा इंट्रो रहने वाला हूँ. अभी मैं जाने वाला हूँ, तो वेट करते हैं सोनू सर का और फिर चलते हैं यहाँ से. तो दोस्तों ये आगे सोनू सर मुझे लेने, और सोनू सर का घर आया है, और सोनू सर का जो इंट्रो मैं ये किसी अदर व्लॉग में दूंगा. और अभी जा रहे हैं हम लोग ड्यूटी, फिलहाल मिलते हैं अब सीधा ड्यूटी स्टेशन पे. तो गाइज मैं पहुंच चुका था बीजमल में, और सुबह का सिनेरियो प्रेजेंट बीजमल का ऐसा रहता है, और गाड़ियां लगी रहती हैं. यहाँ सोनू सर लगा रहे हैं बाइक, और इसके बाद चलता हूं मैं ड्यूटी. और ये है कुछ ऊपर का एरिया, और मुझे यहां से थोड़ा ही बस पैदल चलना है अपने ड्यूटी स्टेशन तक. तो गाइज अभी हुआ है लंच, अभी बजे हैं 1:30, और मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ बात की जाए जो मैं आपके साथ सुबह करना चाहता था. और जो मेरा ड्यूटी स्टेशन है वो मेरे ठीक सामने, और मैं उसके ठीक बगल में हूँ. और जो मेरा ड्यूटी स्टेशन है वो फॉरेस्ट के बीच में. आपको थोड़े थोड़े पेड़ तो दिख रहे होंगे, बट लेकिन यहाँ से ऊपर पूरा थिक फॉरेस्ट है. और मैं यहाँ कहाँ पे रहता था वो चीज़ें भी इस वीडियो में बताऊँ. तो गाइज मैं यहाँ पिछले 2019 से पोस्टेड हूँ. मेरे को लगभग 4.5 साल हो गए यहीं पर पोस्टेड. मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी यहीं पर है, और तब से लेकर मैं इसी ड्यूटी स्टेशन पर अपना काम करता हूँ. और मैं चलिए आपको बताता हूँ, मैं आपको जो मेरा रेजिडेंस था यहाँ पे कहाँ पे था वो चीज़ दिखाता हूँ आपको फ्रंट कैमरा. सो ये है कुछ आज का वेदर, और वेदर के साथ साथ मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो भी बता देता हूँ. आपको एक लाल चादर वाला छत वाला घर दिख रहा हो, जिसमें सीधी मैंने अपनी उंगली की है. यहाँ भी है एक लाल चादर वाला, ये स्कूल है. यहाँ पे एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और इसके साथ ही एक ग्राम पंचायत है. ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस ग्राम पंचायत में मेरा रूम हुआ करता था. मैं पिछले 3.5 साल यहीं पे रुका हूँ, और अभी मेरे को लगभग 1 साल हो गया मैंने यहाँ से रूम शिफ्ट कर दिया. और कहाँ कर दिया, ये है यहाँ का गांव.
पूरा गांव तो वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे और इसके ऑपोजिटली ज़्यादातर लोग रहते हैं। बट लेकिन ये गांव वैसे भी बहुत बड़ी पंचायत है, कुछ यहाँ से नीचे पड़ता है जिसका जगह का नाम है भरटों, और कुछ इसके ऑपोजिटली साइड पड़ता है जिसका नाम है बटेरा और केड़ग। मेरे चैनल पे बहुत पहले एक वीडियो थी जो बटेरा के नाम से थी, और जो मेरा रूम है यहाँ से है वो 10 किलोमीटर नीचे की ओर, मैंने आपको कभी पूरा दिखाऊंगा। और बाकी यहाँ पे मैं मैक्सिमम मेरे स्टेशन से ये व्यू दिखता है फ्रंट का। तो गाइज ये तो हो गया एक इंट्रो, आपको लग गया पता कि मैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे जॉब करता हूँ और एग्जैक्टली मैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी शादी कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे हुई। इस वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर करा दिया, और आपकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी आगे वीडियो में वो मैं फुलफिल कर दूंगा जो भी होगा। ये मेरा इंट्रो ब्लॉग है और अपनी लव स्टोरी का ब्लॉग एक अलग से बनाऊंगा, फिलहाल आपको मैं एक बात बताता हूँ। तो गाइज अब मैं जो बात बताने वाला वो ये थी कि इस गांव में दो बसेज आती है, मतलब एक लॉन्ग रूट की एक शॉर्ट रूट की। शॉर्ट रूट की मीन्स जो दिन में यहाँ पे आती है, मतलब यदि आप नेरवा से यहाँ आना चाहो तो वो आपको दिन में 1 बजे मिलेगी और 2 बजे यहाँ पहुँचा देगी। और लॉन्ग रूट की वो बस थी वो सुबह यहाँ से 7 बजे चलती है और शाम को सोलन में पहुँचती है 4 बजे, और वही रूटीन रहता है कि सुबह यहाँ से जाएगी और शाम वाली सोलन आएगी, मतलब 2 बसें वो होगी और 1 दिन की बस है। तो गाइस जो आपको अभी फ्रेम में दिख रही है ये यहाँ का बस स्टैंड है, जो मैं 2 बजे की बस की बात कर रहा था जो 1 बजे आती है नेरवा से, 2 बजे यहाँ पहुँचती है, ये बस हमारे ठीक लंच टाइम पे यहाँ पहुँचती है। यदि आप कभी भी इस गाँव में आओगे तो आपको अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर लास्ट रोड यहीं तक है। ये लगभग नेरवा से 13 किलोमीटर का एक रन हो जाता है, 13 किलोमीटर की ऊपर चोटी पे बस है ये गांव, गांव का नाम है बीजमल, और यहां से ये बीजमल के लिए बस जाती है 2 बजे ठीक नीचे नेरवा के लिए। तो गाइस जब मैं सबसे पहले यहाँ 2019 में आया था, मैं आया था 11 जून में, और 11 जून के बाद मेरे को छुट्टियाँ मिली थी 1 हफ्ते की, और 1 हफ्ते बाद मैं जब यहाँ आया तो मेरा सबसे पहला फ्रेंड कौन सा, तो वो दिखाता मैं आपको। हालांकि आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा बट मैं ये अपनी इंट्रो वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ है, मैं उसको बता दूँ। ये है एंडी, यदि आपको एंडी दिख रहा हो ना, ये मेरा सबसे पहला दोस्त था, मेरा रूम यहाँ सामने था और ये मेरे रूम के पहले सबसे पहला दोस्त था मेरा। सो गाइस अभी बज चुके हैं 4:30 बजे आ गया था मैं ड्यूटी ऑफ करके अपने रूम। तो ये था मेरा कुछ इंट्रो, और फिलहाल यहीं करते हैं इस ब्लॉग का एंड, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।